हे पार्वती, सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना, क्योंकि नारी के लिए पति से बड़ा दूसरा कोई देवता नहीं। तो आजकल की महिलाएं कहेंगी, वाह, तो पत्नी क्या है? तो पत्नी तो शादी होते ही देवी हो गई, रम्भा देवी, उर्मिला देवी, पुष्पा देवी, गीता देवी। लेकिन शादी होते ही पुरुष कहां देवता बनता है? बन जाना चाहिए तो विशंबर देवता है? लेकिन नहीं बनता। नारी जरूर देवी बन जाती है, वो पुरुष को देव बनाती है। विदाई की घड़ी आई, एक सज्जन मिले और उन्होंने कहा कि गुरुजी, मेरी बेटी की शादी तय हो गई है, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही, रात रात भर मैं जगता हूं। तो पूछा, ये कहा कि लोगों की बेटियों की शादी तय नहीं होती इसलिए वो टेंशन में रहते हैं, आपकी तय हो गई तब नहीं सोते? बोले, अब ख्याल आया कि जो एक लौती बेटी है उसका कपड़े भी मैं पहनाता था, कलम पेंसिल लाता था, उसे खिलाता था, और अचानक अनजाने लोगों के घर में चली जाएगी और वहाँ कौन ख्याल करेगा? ये सोच सोच के रात भर जग जाता हूँ मैं। तो सचमुच ये घड़ी तो कठिन है विदाई की। पहले संस्कार दे के भेजते थे, अभी अहंकार दे के भेजते हैं। पहले कहते थे कि वही घर तुम्हारा है, वहीं से लाश निकलेगी, लेकिन अभी फोन का जमाना ऐसा आया, मोबाइल का, कि जाते ही घर में इधर से फोन, तुम्हारे घर में आज क्या बना है, आज पति ने क्या बोला, सास से क्या बात हुई, ऐसे बोल देना, दबने की जरूरत नहीं, इतना पैसा दिया है, किसी को मत सहना। मोबाइल ने माताएं अपने बेटियों का घर तोड़ देती हैं, अपने बहू को तो चाहती हैं कि एकदम सुशील हो, लेकिन बेटी जहां जाए उत्पात मचा दे जाके, और जो ये बोले वो करे। एक जगह घटना घटी, हम गए भी थे उनके घर, तलाक हो गया, माताएं बेटियों का तलाक करा दे रहे कि हम रखेंगे। अरे आप कितने दिन रखेंगे, परिवार भी तो कुछ होता है। तो एक जगह शादी हुई और शादी में लड़की बहुत धार्मिक परिवार की थी, जब हो के शादी आ गई ससुराल, तो एक दिन लड़के ने शराब पी लिया। अब ये तो तूफान मचा दिया कि झूठे हो तुम, झूठे तेरे बाप झूठे, कि बोला था कि शादी में कि शराब नहीं पी, बहुत नहीं पीते, साथियों ने जबरदस्ती कर दी, आगे से नहीं पिएंगे। गाली देने लगी तो एक झापड़ मारा उसने। अब तो इतना कहना था, माँ को फोन कर दिया कि इनके घर में बंदूक है, आज मार रहा है, कल गोली चला देगा, शराबी कबाबी लोग हैं। और माँ को भी हालचाल लेना चाहिए कि रुक जाओ, संभालो, समझौता करो, हम आके समझाएंगे। वहीं से बोल दिया कि चिंता मत करना, पुलिस लेके आ रहा है। और पुलिस लेके आया, पुलिस की कस्टडी में निकाल लिए, तलाक करवा दिए। गोदी में एक बच्चा लेके यहाँ हरिद्वार आई थी, बहुत साल पहले की बात है, मतलब 25 साल तो हो ही गए इस घटना के। तो अगर विश्लेषण ठीक से करें तो समझ में आ रहा गलती कहां है कि अरे एक दिन एक थप्पड़ मारा, आप भी मार लेते दूसरे दिन, क्या फर्क पड़ता है। एक संत सुना रहे थे इतिहास इस घटना का, क्या है मुझे मालूम नहीं। हमने सुना है कि जयपुर राजघराने में, अब जयपुर था कि कौन सा घराना था पता, कि एक कन्या थी, राजा ने कन्या को बड़े लाड प्याल से पाला, उसकी माँ नहीं थी, और शादी के लिए जब दूल्हा ढूंढने लगे तो बराबरी का राजघराना नहीं मिल रहा था, तो अपने से छोटे राजघराने में राजघराना ही था, शादी कर दी। अब कन्या गई, उसके दिमाग में बैठा हुआ कि छोटा राजघराना, ये कुंवर छोटा है, हम लोग तो बड़े घर से आए हैं। एक दिन राजकुमार ने बोल दिया कि जरा हुक्का भर के लाना, इतने पे तो गर्म हो गई, छोटे घराने के कुंवर, तुम्हारी ये हिम्मत कि मुझसे हुक्का भरवाओगे, मैं तुझे सबक सिखवाऊंगी। और जल्दी रथ लेके वापस अपने पिताजी के घर। पिताजी ने देखा कि बिना बुलाए बेटी लौट आई है और जमाई भी साथ में नहीं, जरूर कोई बात हो गई। तो पूछा कि बेटी क्या बात है बताओ, तो वो कहती है कि आज आपका अपमान हो गया पिताजी, उस छोटे घराने के राजकुमार ने मुझे हुक्का भरने के लिए कह दिया। तो बोले कि बेटी तुम्हारा क्रोध कैसे शांत होगा,
तो कहा कि जितने भी राजा हैं उनको बुलाइए, उनके सामने उस राजकुमार को अपमानित करिए। सभी राजा बुलाए गए, ये राजकुमार भी आया। जब ये राजकुमार आया तो राजा ने उसके जूते छुपा लिए। शायद विवाह में जूता चुराने की परंपरा वहीं से चली है। सभा विसर्जित हो गई और राजकुमार को अपमानित नहीं किया गया। वो खिड़की से बैठ के देखती रही और अफसोस करती रही। जब जाने लगा वो राजकुमार, तो उस पिताजी उनके उनका जूता लाए और अपने अंगूठे से साफ करके अपने जमाई के पाँव में पहना दिया। बेटी ने कहा कि समझ गया हूँ कि जिसका जूता साफ करते हो मेरे पिताजी, उसका एक दिन हुक्का भरने में क्या दिक्कत है। तो संस्कार दे के भेजते थे, अभी तो अहंकार दे के भेजते हैं।